वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्वेश्चन 6 करेंगे 2.4 का। एक वर्ड प्रॉब्लम है, रेक्टेंगल से रिलेटेड है बेटा। तो बेटा पहले मुझे आपको आपका इसका बेस क्लियर करना है पहले, फिर मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है बेटा। दो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास फिगर से रिलेटेड, एक होता है पेरीमीटर, आपने सुना होगा, और एक होता है एरिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी इनमें से कोई भी वर्ड यूज नहीं हुआ, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये पेरीमीटर का क्वेश्चन है, एरिया का है, इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है। तो आपको कुछ बेसिक करवा दूं। सपोज बेटा आपके पास एक गार्डन है, ये ठीक है, इसमें आपने प्लांट्स लगा रखे हैं, रेक्टेंगुलर गार्डन है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये जो सामने की साइड होती है ये इक्वल होती है, अगर ये 4 होगी तो ये भी 4, इनको हम लेंथ कह देते हैं, और अगर ये 2 होगी तो ये भी 2 होगी, अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसको हम ब्रेथ कह देते हैं, गॉट इट। अब इस गार्डन में एनिमल्स एंटर कर जाते हैं, आपके प्लांट्स खराब कर देते हैं, तो आपने सोचा इसके जो बाउंड्री है ना, इसकी बाउंड्री पे ना वायर लगा देता हूं, फेंसिंग करना कहते हैं इसको, बाउंड्री पे वायर लगा देना, ठीक है, रोप लगा देना, बंद कर देना उसको कि कोई अंदर ना आ सके, फेंसिंग। अब आप बताओ ये फेंसिंग बाउंड्री पर हो रही है ना, इसका अंदर से कोई रिलेशन नहीं है। बाउंड्री से जब भी किसी चीज का रिलेशन होता है उसका वो कॉन्सेप्ट होता है पेरीमीटर। क्या कॉन्सेप्ट होता है बेटा? पेरीमीटर, ठीक है। अब आप फेंसिंग वाले भैया के पास गए, भैया इधर ना वायर लगा दो, वो आपसे पता है क्या बोलेगा, कितनी वायर लगनी है, कितने मीटर वायर लगाऊं। तो आप उसे अपना प्लॉट दिखाओगे तो वो पता है क्या करेगा, ये बोलेगा यहां फेंस लगेगी, ये मान लो 5 है इसको ऐड करेगा, मान लो ये 2 है इसको ऐड करेगा, फिर इसको ऐड करेगा, इसको सारी लेंथ को ऐड करेगा, ठीक है, क्योंकि वायर इतनी ही तो चाहिए हमारे को, ठीक है। तो उसने क्या किया, 5 5 और ये 2 2, कितना हो गया 14। तो बोलेगा जी आपके 14 मीटर पेरीमीटर है, ठीक है, इधर आपको वायर लगानी है, कितनी वायर चाहिए, 14 मीटर। अब हम उससे बोलेंगे भैया क्या रेट लोगे, तो जब आपको रेट बता रहा है, देखो कैसे बता रहा है, वो बोल रहा है भैया मैं ना ₹10 लेता हूँ, ₹10 14 मीटर के नहीं लेता मैं, पर मीटर के लेता हूं, यानी 1 मीटर का रेट बता रहा है। जैसे आप बेटा स्टेशनरी की शॉप पे जाते हो तो आपको 1 पेन का कॉस्ट पहले बताता है वो, ये नहीं बताता 10 पेन का सीधा कितना। तो 1 पेन बोलता है जी ₹10 का है, तो 10 पेन कितने के हुए, मल्टीप्लाई करते हो ना, मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट, ये भी वही है। अच्छा अब आप बोलोगे अच्छा भैया ₹10 लोगे, मेरे को तो 14 मीटर लगानी है, ₹10 पर मीटर के अकॉर्डिंग कैसे बिल रेडी होगा, 14 ये मल्टीप्लाई 10, बिल कितना बना, ₹140, ठीक है बेटा, यानी ₹140 का एक्सपेंस आएगा। कैसे निकाला, वो आपको जितनी लेंथ वायर चाहिए, क्या रेट है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक उसी तरह से जैसे हमने पेन और पेन के रेट को मल्टीप्लाई किया था, गॉट इट। तो अब आप कर क्या रहे हो, पेरीमीटर मल्टीप्लाई रेट, इसको रेट कहते हैं, उसने रेट बताया था ना आपको, और इससे क्या निकल कर आया था, टोटल कॉस्ट कि आपको फेंसिंग करवाने का कितना बिल बनेगा, ये आपको इक्वेशन देगा इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना। आओ बेटा, देयर इज अ नैरोअर रेक्टेंगुलर पार्क है, स्कूल के लिए रिजर्व की है, कोई काम की बात नहीं है, सिर्फ एक रेक्टेंगल वर्ड हमारे काम का है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो, लेंथ और ब्रेथ तो भाई हमें चाहिए तभी तो हम पेरीमीटर निकाल पाएंगे। लेंथ ब्रेथ दी नहीं, रेशियो दे दिया 11:4। ऐसे केस में हमेशा मैं बताता हूं आपको लेंथ को ले लेना है 11x, ये वाला लेंथ है, और ये वाला ब्रेथ कैसे लोगे, 4 नहीं 4x, बहुत हाई अलर्ट जोन है बेटा, बहुत हाई अलर्ट। तो लिख लेंगे लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 11x, ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज 4x, और मीटर लगा दिया करो क्योंकि ये मीटर में चल रहा है क्वेश्चन, पर मीटर, ठीक है ना, तो मीटर का क्वेश्चन है, क्लियर। अब पेरीमीटर क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आप बोलोगे भैया सर उसने तो ऐड करके करा था, आप भी कर लो ऐड करके, निकल आएगा तब भी, लेकिन हमने जब फॉर्मूला बना रखा है तो इससे इजीली निकलेगा। 2 लेंथ कितनी है बेटा 11x, ब्रेथ कितनी है 4x, ठीक है बेटा। 2 11 प्लस 4 कितना हो गया 15x, 11 चॉकलेट 4 चॉकलेट 15 चॉकलेट। अब इन दोनों को क्या करें, 2 के बाद कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई, यानी 30x, ये आपके पास आ गया पेरीमीटर। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर चाहिए ना,
फेंसिंग करवानी है तो पैरामीटर चाहिए था, हमने निकाल दिया। अब यही चीज आगे पढ़ो, इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000, यानी कॉस्ट की बात कर दी उन्होंने, पैरामीटर भी इन्वॉल्व हो गया। अच्छा रेट भी दे रखा है, एट द रेट ऑफ ₹100, रेट भी दे रखा है, पैरामीटर भी आप निकाल चुके हो, टोटल कॉस्ट भी। तो बेटा यही तो फिट हो रहा है जो आपको समझाया, क्या है पैरामीटर मल्टीप्लाई रेट और टोटल बिल, टोटल कॉस्ट, बस इसमें वैल्यू रखो। पैरामीटर कितना 30x, रेट कितना 100, टोटल कॉस्ट कितनी उन्होंने बताया, अभी टोटल बिल हुआ 75,000 की फेंसिंग हो रही है उनकी, ठीक है। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3000x, 30 × 100 करेंगे, x को कुछ नहीं करते, 75,000। अब 3000 कहां जाएगा, नीचे देखो बेटा, देखते जाना, x इज इक्वल टू 75,000 और 3000 चला गया नीचे, 000 कैंसिल, 375 को 3 से डिवाइड करेंगे 25। लेकिन क्या आंसर है, उन्होंने x नहीं पूछा, उन्होंने बोले प्लॉट व्हाट आर द डायमेंशंस, डायमेंशन बेटा ये लेंथ और ब्रेथ को डायमेंशन कहते हैं, कई बच्चों को ये वर्ड हैवी लगते हैं और समझ नहीं पाते। तो लेंथ आप बताओ भाई, लेंथ क्या निकली, डायमेंशन लेंथ बताओ, जो एज्यूम की थी, क्या एज्यूम की थी, 11x, इसका मतलब होता है 11 × x, x तो आपका 25 है, ठीक है, 275 मीटर। और ऐसे ही ब्रेथ भी बताओ, ये नहीं है कि सिर्फ आपको डायमेंशन एक बताई और आगे चल दिए, ब्रेथ भी बतानी है, 4x, 4 × x, x हो गया 25, 4 × 25 = 100 मीटर, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा विद कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, बाकी बेटा प्रैक्टिस करो और कनेक्ट रहो बेटा, आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताओ अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं। गॉड ब्लेस यू, कीप ऑन वर्किंग वेरी हार्ड, थैंक यू।